हाय डियर, आज का जो वीडियो है वो ग्रामर से रिलेटेड है। यहाँ पे एक सेंटेंस है, माय सेल फोन इज लार्जर देन योर सेल फोन। इसका मतलब हो जाता है कि मेरा जो सेल फोन है वो आपके सेल फोन से बड़ा है। अब इसी सेंटेंस को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, माय सेल फोन इज लार्जर देन यूअर्स। यहाँ पे यूअर्स का मतलब हो जाएगा यूअर सेल फोन। होता क्या है कि किसी भी लैंग्वेज में अगर एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ में आप किसी वर्ड को बार बार दोहराते हो तो उसका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि सुनने वाले को बार बार सेल फोन सेल फोन सेल फोन सुनाई देता है तो वो मीनिंग समझ नहीं पाते और उसका इंटरेस्ट भी उस सेंटेंस में नहीं होता है। तो इसीलिए इस टाइप के अगर इंग्लिश की बात की जाए तो ऐसी सिचुएशन में हम वर्ड के रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, यूअर में ही एस लगा दिया, यूअर्स। अब देखिए, माय सेल फोन इज लार्जर देन योर सेल फोन, इसी को आप बोल सकते हो माय सेल फोन इज लार्जर देन यूअर्स। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो भी प्रोनाउन होता है उसके हिसाब से यहाँ पे चेंजेस हो जाता है। अब जैसे ये माय है तो माय का हो जाता है माय। अब ये एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे योर सेल फोन इज बेटर देन माय सेल फोन, मतलब आपका जो सेल फोन है वो ज्यादा बेटर है मेरे सेल फोन से। इसी चीज को आप बोल सकते हो योर सेल फोन इज बेटर देन माइन। तो ये प्रोनाउन पे डिपेंड करता है कि यहाँ जो भी प्रोनाउन होता है उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज हो जाता है। अगर हिज कार होगा तो हिज, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एस लगा है तो इसका हिज का हिज ही होता है। अगर सपोज दैट यहाँ पे हर होता, हर कार या हर सेल फोन होता तो इसका हो जाता हर्स। तो अधिकतर केस में हम यूअर होता तो यूअर्स हो जाता इस तरह से। तो अधिकतर जो प्रोनाउन में हम एस ऐड करते हैं, अब अगर यहाँ पे हो जाता आवर तो ये हो जाता आवर्स इस तरह से।